हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की तरफ से मोहम्मद ताहिर भुट्टा आपके सामने। तो अब जैसा कि आपके इल्म में है, हम प्रीवियस पेपर्स में आने वाले सिनोनिम्स जो मुख्तलिफ बोर्ड्स में आते रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, और आज कल हम नावल के चैप्टर्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 4। तो उसके अंदर आने वाले सिनोनिम्स, चैप्टर नंबर 4 के अंदर आने वाले सिनोनिम्स, तो उसमें देखें सबसे पहले लफ्ज़ है अरोमा, ARROMA। अरोमा खाने पीने की चीज़ों से उठने वाली जो खुशबू होती है उसे कहते हैं अरोमा। तो कप, कलर, स्मेल, डिमांड। तो ये स्मेल, अच्छा देखिए आमतौर पर हम स्मेल का जो लफ्ज़ है वो सिर्फ बदबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं से बदबू आ रही है तो हम कहते हैं स्मेल आ रही है, लेकिन ज़हन में रखें स्मेल का मतलब है बू, जो खुशबू भी हो सकती है बदबू भी हो सकती है। ये जो स्मेल का, जैसे उर्दू का लफ्ज़ बू, हम मतलब उसको भी नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, ज़्यादा ट्रेंड यही हो गया आजकल। और इसी तरह इंग्लिश का लफ्ज़ स्मेल, ये भी ज़्यादा ट्रेंड यही हो गया कि नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये बेसिकली न्यूट्रल है। स्मेल कहीं से भी आने वाली अच्छी या बुरी बू ये होती है। तो बहरहाल जो भी है, नेक्स्ट देखें एन एज एट विच अ परमानेंस ऑफ हैबिट्स बिगिंस टू बी प्रिडिक्टेबल। वर्ड है बेटा प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्ट का मतलब होता है पेशन गोई करना, पहले से बता देना कि क्या होने जा रहा है। तो प्रिडिक्टेबल, जिसकी पेशन गोई की जा सके, बताया जा सके कि आगे क्या होगा, प्रिडिक्टेबल का मतलब ये होता है। तो गेसेबल, एक्सेप्टेबल, अपोज्ड, डिजायरेबल। गेसेबल, जिसका अंदाजा लगाया जा सके कि ये मुमकिन है, ऐसा होगा, उसको कहते हैं प्रिडिक्टेबल। और फिर देखें नेक्स्ट जो है, बट इन डूइंग सो स्लिप्ड हिमसेल्फ एंड रेंच्ड हिज एंकल, WRENCHED। देखो ये जो प्लम्बर्स के पास होते हैं ना वो पाइप रेंच, जिससे वो पाइप को घुमाकर कसते हैं उसे कहते हैं ना रेंच। तो असल में वो यही रेंच लफ्ज है WRENCH, जो हमारी जबानों के मकामी लहजे में आकर रेंच हो गया है। असल में ये लफ्ज है रेंच, WRENCH। लफ्जी मतलब होता है घूम जाना, उसका पाँव मुड़ गया, टखने में मोच आ गई, तो वहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ रेंच्ड। ट्विस्टेड, रब्ड, स्लिप्ड, ब्रोक। तो ट्विस्टेड इसके लिए सही लफ्ज बनेगा, रेंच्ड के लिए ट्विस्टेड ये सही ऑप्शन बन जाएगा। और फिर देखें ही फाउंड हिमसेल्फ द रेस्क्यूड इंस्टेड ऑफ द रेस्क्यूअर। रेस्क्यूड, जिसको बचाया जाए, सेव्ड, इंजर्ड, कल्प्रिट, सेव्ड, गिल्टी। तो सेव्ड का लफ्ज जो है ना ये इस्तेमाल करेंगे रेस्क्यूड के लिए। और फिर देखें ही वॉज क्वाइट कन्वेंशनल पर्सन। कन्वेंशनल का लफ्ज है, इसका मतलब होता है रिवायती, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल। ऑप्शन में देख लेते हैं, हाँ ट्रेडिशनल का लफ्ज मौजूद है, स्कॉलर का है वैसे लफ्ज, प्रोफेशनल, एजुकेटेड। तो ये ट्रेडिशनल सही ऑप्शन बन जाएगा इसके लिए, ये मतलब कन्वेंशनल के लिए ट्रेडिशनल। और फिर देखें ही वॉज अ क्वाइट कन्वेंशनल पर्सन एंड द वर्ल्ड व्यूड फ्रॉम द हेवन ऑफ ब्रुकफील्ड। वर्ड हेवन, हेवन नहीं पढ़ना, HAVEN, वो जो हेवन होता है ना HEAVEN, आसमान, जन्नत, खुदा, इन सारे मीनिंग में इस्तेमाल होता है, ये हेवन है, ठिकाना, पनाहगाह, हेवन। तो बिल्डिंग, सर्विस, सेफ प्लेस, क्लासरूम, सेफ प्लेस, हेवन के लिए ना, सेफ प्लेस, शेल्टर, हेवन के लिए ना। और फिर देखो नेक्स्ट बर्नर्ड शॉ, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ राइटर है, उसका जिक्र है इसमें, हु हैड द स्ट्रेंजेस्ट एंड मोस्ट अप्रिहेंसिबल ओपिनियंस। स्ट्रेंजेस्ट, इंतहाई अजीब, स्ट्रेंज होता है ना, और उससे थर्ड डिग्री हो गई स्ट्रेंजेस्ट, इंतहाई अजीब, ऑड, स्ट्रॉन्ग, ब्लेमवर्दी, पॉजिटिव। तो ऑड, ODD, ऑड ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और नाइस मैन, ट्रीटेड देम विद अ पोलाइट बट रेदर डिस्टेंट शेवलरी। ये जो उसका कॉन्सेप्ट था मिस्टर चिप्स का नाइस वीमेन और नाइस मैन के हवाले से, तो नाइस मैन के हवाले से वो कहता है कि वो नाइस वीमेन से
डिस्टेंट शिवेलरी, किरदार की मजबूती, बहादुरी, शिवेलरी। तो लव, हेट्रेड, कोऑपरेशन, ब्रेवरी। तो शिवेलरी के लिए मतलब ब्रेवरी का लफ्ज, बहादुरी है ना, किरदार की मजबूती और बहादुरी, ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और मिस्टर चिप सेट वेग नोशन, देखें बेटा वर्ड है वेग, VAGUE, वेग होते हैं गैर वाजे सा, अनक्लियर सा, एम्बिगुअस सा। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, रेडिकल, विविड, अनक्लियर, पोलाइट। तो अनक्लियर का लफ्ज है और एम्बिगुअस भी इसके लिए जो है ना वो हो सकता है, एम्बिगुअस भी इसके लिए हो सकता है। और फिर देखें नेक्स्ट, इन पॉलिटिक्स ही वॉज अ रेडिकल, RADICAL, बिल्कुल मतलब न्यूट्रल, रिलीजियस, रेवोल्यूशनरी, एक्सट्रीमिस्ट। तो ये रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी के मतलब में आ जाएगा, रेडिकल, रेवोल्यूशनरी। और फिर देखें नेक्स्ट जो सिनोनिम है कि चिप्स वॉज नॉट आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है एक्सप्रेसिव, अपने बात का इजहार कर सकने वाला, आर्टिकुलेट। रेडिकल, स्टिक, एक्सप्रेसिव, इंटेलिजेंट। तो एक्सप्रेसिव इसका सही ऑप्शन बन जाएगा, एक्सप्रेसिव। और फिर देखें नेक्स्ट है चिप्स स्प्रेन, अंडरलाइन वर्ड है बेटा स्प्रेन, SPRAIN, मोच, अभी जो रेंच का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। डिस्कशन, पर्सनैलिटी, टीचिंग, इंजरी। गिवन ऑप्शंस में करीब तरीन लफ्ज है इंजरी, रेंच। और फिर देखें ही यूज्ड टू हॉबल, HOBBLE, ये छड़ी के सहारे, छड़ी टेक टेक कर चलना, इसको कहते हैं हॉबल। स्टैंड, रन, वॉक, स्टैगर, स्टैगर जो लड़खड़ाते, डगमगाते कदमों से चलना, हॉबल के करीब तरीन लव स्टैगर इस्तेमाल करेंगे। और फिर देखें ही कॉल्ड वीमन मॉन्स्ट्रस क्रीचर, मॉन्स्ट्रस भयानक, दे कोई बला जैसी मखलूक, मॉन्स्ट्रस का मतलब जो है ना ये हो जाएगा। और रेस्पॉन्सिबल, आइडियल, प्रैक्टिकल, फ्राइटफुल, फ्राइटफुल ज़्यादा करीब लफ्ज है। और फिर देखें नेक्स्ट के देयर केम टू हिम 1000 टेंगल्ड रिकलेक्शंस, टेंगल्ड उलझी हुई रिकलेक्शंस, यादें। तो असल वर्ड है टेंगल्ड, मिक्स्ड, आइडियल, प्रैक्टिकल, फ्राइटफुल। तो मिक्स्ड टेंगल्ड के लिए ये लफ्ज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 में से ये सिनोनिम्स थे, इससे आगे फिर अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।